हो गया है खबरें पहाड़ से, का रुख करते हैं खबरों की ओर। केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया। काफी लंबे समय से बीमार थी शैला रानी रावत। शैला रानी रावत के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर देखने को मिल रही है। वहीं सीएम धामी अनिल बलूनी ने निधन पर दुख व्यक्त किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां काफी लंबे समय से शैला रानी रावत बीमार चल रही थी और देखिए इनका निधन हो गया है। शैला रानी रावत के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, जहां सीएम धामी और अनिल बलूनी ने निधन पर दुख व्यक्त किया है। केदारनाथ से विधायक रही है शैला रानी रावत और देखिए उनका निधन हो गया है। काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी शैला रानी रावत। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से शोक व्यक्त किया गया है शैला रानी के निधन पर, उन्होंने दुख व्यक्त किया है। शैला रानी रावत के निधन से पूरे क्षेत्र में दुख की लहर दौड़ पड़ी है और देखिए इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत का निधन हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काफी लंबे समय से शैला रानी रावत बीमार चल रही थी, जिसके बाद उनका निधन हो गया है और देखिए निधन के बाद से ही क्षेत्र में शोक की लहर देखने को मिल रही है। बेहद ही दुख भरी एक खबर है, जहां सीएम धामी ने और अनिल बलूनी ने निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो केदारनाथ से विधायक हैं शैला रानी, देखिए उनका निधन हो गया है। काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर देखने को मिल रही है, हर कोई गमगीन नजर आ रहा है। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी अनिल बलूनी ने निधन पर शोक व्यक्त किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ आलोक शेमवाल हमसे जुड़ चुके हैं। आलोक, केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया, जिसके बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आज बिल्कुल, केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत जो हैं, उनका कल देर रात निधन हो गया। मैक्स अस्पताल में वो एडमिट थी, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। काफी लंबे वक्त से जो है बीमार भी चल रही थी, तो फिलहाल कल देर रात को उनका निधन हुआ है। आज में थोड़ी ही देर में भाजपा कार्यालय देहरादून है, भाजपा के पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो स्वयं वहां पर पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर फिलहाल जो उनके परिजन है वो भी खासा दुख में इस वक्त है। जो बॉडी है उसको अब के बाद केदारनाथ लेके जाया जाना है, उनके गांव लेके जाया जाएगा। फिलहाल ठीक है, लोग आप बने रहेंगे हमारे साथ। वह उत्तराखंड के दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, मंगलौर और बद्रीनाथ।